मेरे मस्तिष्क में एक अद्भुत नाटक की योजना सूझ रही है। कैसा नाटक? मथुरा आने के लिए हमें सिद्ध घाट से नाव लेकर यमुना तो पार करनी ही होगी। हाँ, तो नाटक यह है, जब नाव से हम मझधार पर पहुंचेंगे सुना है मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। अच्छा, आपको किसने कहा? अरे अपना वो कलवा है ना, रोज मथुरा सब्जी बेचने जाता है, उसी ने बताया। कहते हैं कि महाराज ने आज्ञा दी है कि मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। राज्य के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ा उत्सव होगा। परंतु अचानक ये उत्सव कैसा बाबा? महाराज कोई बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं। महाराज कंस यज्ञ करेंगे? सुना तो ऐसा ही है। नंदराय जी कह रहे थे महाराज कंस को यज्ञ करने जा रहे हैं। हाँ देवी जी, कंस एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहा है। कंस और यज्ञ, इन दोनों बातों में मेल नहीं बैठता अक्रूर जी। परंतु ये सत्य है देवी, ये सत्य है। मथुरा के राजकुल के पास एक दिव्य धनुष है जो परशुराम जी ने इनके पूर्वजों को प्रदान किया था। पुरोहित सत्य के कहने से कंस ने एक महान धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस समय मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए सारे प्रदेशों से बड़े बड़े वीर योद्धाओं को न्योता भेजा गया है कि राजधानी में आकर अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करें। वाह, फिर तो बड़ी धूम होगी राजधानी में। मेरे मस्तिष्क में एक अद्भुत नाटक की योजना सूझ रही है। कैसा नाटक? मथुरा आने के लिए हमें सिद्ध घाट से नाव लेकर यमुना तो पार करनी ही होगी। हाँ, तो नाटक यह है, जब नाव से हम मझधार पर पहुंचेंगे तो नाव के उलटने का नाटक किया जाए। कंस के सैनिक और गुप्तचर तो देख ही रहे होंगे। इस नाटक से यह सिद्ध हो जाएगा कि नाव के उलटने से कृष्ण के साथ अक्रूर भी नदी में डूब गया, परंतु हमारे गोताखोर साथी हमें बचाकर पानी के अंदर ही अंदर दूसरे किनारे तक पहुंचा देंगे, जहां एक निश्चित स्थान से हम लोग भेष बदलकर मथुरा से बाहर निकल जाएंगे। सुंदर, योजना तो अच्छी है।